डियर स्टूडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च एंड वी हैव डिस्कस्ड डिसल्यूएशन रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ काइंडेट एंड एस्टिमेट सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्लान चेंज सोशल इम्पैक्ट असैसमेंट जो है वो एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम कोई भी जो प्लान्ड चेंज है कम्युनिटी लेवल पे उसको स्टडी करते हैं कि उसका कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा जैसा कि आ, अगर कोई डैम बनने जा रहा है कोई मोटरवे बनने जा रही है कहीं से रेलवे लाइन बिछनी है कहीं से एनर्जी की ट्रांसमिशन लाइन गुजरनी है कहीं पर ड्राई पोर्ट बनना है तो उस या कहीं पे इंडस्ट्रियल जोन बनना है तो इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से वो जहाँ वहाँ जहाँ जो साइट है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है उसके ऊपर इसका आ, क्या इम्पेक्ट आएगा वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर इसकी आ, वो उससे कैसे मुतासर होंगे तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हम आ, इस स्टडी को कहते हैं सोशल इम्पेक्ट असमेंट स्टडी तो सोशल इम्पेक्ट असमेंट स्टडीज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं इसमें हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करते हैं और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करते हैं जैसे कि अगर कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो रहा है तो वो क्या इन्वायरमेंट को तो डिग्रेड नहीं कर रहा उस साइट के और उस कम्युनिटी के और दूसरा वो जहाँ पे वहाँ जो प्रोजेक्ट साइट है वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो है ज़िंदगियों को कैसे मुतासर कर रहा है तो ऐसा ही इज़ अ प्री रेक फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स Uh, किसी भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि वहाँ उस प्रोजेक्ट की जो साइट है उस पर जो उसके जो आसपास जो कम्युनिटी रहती है उसके ऊपर सोशल इम्पैक्ट असमेंट स्टडी की जाए और ये जब भी जो बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि डैम और हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसमिशन लाइन मोटरवेज और रेलवेज जब बनती हैं तो उसकी uh, जो है प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले सोशल इम्पैक्ट असमेंट स्टडीज़ की जाती है और ये इसको आ, इसको लाजमी हिस्सा समझा जाता है डेवलपमेंटल प्रोग्राम का तो ये भी एक बड़ी जो है सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च है जिसमें जो इसकी फाइंडिंग्स की बेसिस पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और डिसीजन मेकर्स हैं वो अपने डिसीजंस लेते हैं